होमोमॉर्फिज्म तो प्रूव कर दिया है, अब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं हम क्या बोलेंगे, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बनेगा अपने पास, डोमेन क्या था जी अपॉन उसका कर्नल, कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू क्या बनेगा इस जी की इमेज एफ ऑफ जी, ये अपने पास इक्वेशन नंबर वन बनी है, इक्वेशन नंबर वन। आगे देखते हैं, अब अगर हमने ओन टू प्रूव कर दिया तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ जी की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, कोडोमेन के बराबर बन जाएगी, कोडोमेन कौन है जी डैश अपॉन एन डैश है, तो अब हमें इसको ओन टू प्रूव करना है, ओन टू प्रूव करना है, तो मैं बोलूंगा फोर ओन टू, फोर ओन टू। मैपिंग क्या थी अपने पास, मैपिंग थी हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी एन डैश फाई ऑफ एक्स बनेगी, तो ओन टू के लिए मैं क्या बोलूंगा कि जी डैश अपॉन एन डैश का कोई भी एक एलिमेंट लीजिए एन डैश फाई ऑफ एक्स, उसके लिए अपने पास हमेशा कोई ना कोई प्री इमेज एक्स जरूर मिल जाएगी इसके अंदर जी के अंदर, ठीक है ओके। ये बात अगर हमने प्रूव कर दी तो हमारे पास ओन टू बन जाएगा ओके। ये लिखना मैं बोलूंगा फोर एवरी एलिमेंट, और एवरी एलिमेंट कौन सा एन डैश फाई ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश अपॉन एन डैश, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट कौन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन डैश फाई ऑफ एक्स। और ये बात क्यों प्रूव हो पाई है, क्योंकि फाई जो मैपिंग थी वो अपने पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दे रखी थी, मतलब ऑन टू दे रखी थी, इसलिए फाई ऑफ एक्स के लिए अपने पास ऐसा एक्स जरूर मिलेगा, इसलिए अपने पास एन डैश फाई ऑफ एक्स के लिए अब अपने पास एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा जिसकी इमेज निकालने पर हमें एन डैश फाई ऑफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, और एफ को ऑन टू होते ही हम क्या लिखते हैं, एफ को ऑन टू लिखते हैं हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि डोमेन है एफ ऑफ जी, मतलब जी डोमेन है, तो एफ ऑफ जी मतलब जी की इमेज क्या मिलेगी अपने पास कोडोमेन के बराबर मिलेगी, और कोडोमेन कौन है जी डैश अपॉन एन डैश है, ये मिलेगा हमें। क्लियर है, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू ओके। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर वन और टू से हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर वन और टू से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी जी डैश अपॉन एन डैश के बराबर आएगी। इक्वेशन नंबर टू में अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में अगर मैं इक्वेशन नंबर टू की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पर बनेगा जी अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन एन डैश, तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्या बनेगा इक्वेशन वन एंड टू से, पहले तो जी अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू, इसकी जगह हमें रखना पड़ेगा जी डैश अपॉन एन डैश, तो वैल्यू बनेगी अपने पास जी अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी था, और एफ ऑफ जी की जगह हम क्या लिख देंगे जी डैश अपॉन एन डैश, तो वैल्यू क्या बनेगी जी डैश अपॉन एन डैश, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, इसका नाम है इक्वेशन नंबर थ्री। अब जो हमें प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था
जी अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन एन डैश, ये बात हमें प्रूव करनी थी, जी अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन एन डैश। हमने क्या प्रूव कर दिया, जी अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन एन डैश। अब इसका मतलब है कि हमें कर्नल की जगह एन प्रूव करना है, कर्नल की जगह अगर हमने एन प्रूव कर दिया तो हम बोलेंगे कि हमारा प्रूफ हो गया है, क्लियर है। तो अब हमें कर्नल एफ की वैल्यू निकालनी है, हम कर्नल एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा नाउ कर्नल एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, कर्नल एफ की वैल्यू क्या होती है, एक्स एलिमेंट टाइप के कर्नल एफ में एलिमेंट आते हैं, जो एक्स एलिमेंट कहाँ से आते हैं, डोमेन के अंदर से आते हैं, मतलब जी के अंदर से आएंगे, और किस प्रकार से आएंगे, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बने, कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट बने, और कोडोमेन कौन है अपने पास, जी डैश अपॉन एन डैश है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, नीचे वाला पोर्शन, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, एन डैश होता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ऐसे एक्स एलिमेंट जो जी के अंदर से आ रहे हैं और जिनकी इमेज एन डैश बन रही है, वो एलिमेंट हमारे पास किस में जाएंगे, कर्नल एफ में जाएंगे। तो चेक करते हैं कर्नल एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, अब कर्नल एफ इज इक्वल टू, इधर तो अपने पास क्या है x, जो कि x बिलोंग्स टू g होगा, सच दैट f ऑफ x की वैल्यू क्या थी बताओ, f ऑफ x हमारे पास क्या था, पीछे हमने लिखा भी है f ऑफ x को हमने लिखा है n डैश phi ऑफ x, n डैश phi ऑफ x, तो यहां पर लिखते हैं हम f ऑफ x की जगह n डैश फाई ऑफ एक्स इजिकल टू क्या बनेगा, एन डैश बनेगा, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम कर्नल ऑफ एफ इजिकल टू एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो एक्स टाइप के एलिमेंट जो जी के अंदर से आ रहे हैं और किस टाइप की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी रख रहे हैं। तो अब देखना, हमारे पास एक नोट लिखवाया था मैंने कोसेट वाले टॉपिक में कि अगर आपके पास एच एक्स की वैल्यू एच बनती है तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि x एलिमेंट कहाँ का होगा, h का होगा, और अगर x एलिमेंट h का है तो मैं बोलूँगा एच एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, h के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखना n डैश फाई ऑफ x की वैल्यू n डैश के बराबर है, इसका मतलब फाई ऑफ x की वैल्यू कहाँ से आएगी, n डैश से आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि फाई ऑफ x की वैल्यू कहाँ से आएगी, बिलोंग्स टू n डैश, फाई ऑफ x की वैल्यू कहाँ से आएगी, n डैश से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं हम अब अपने पास कर्नल ऑफ एफ इजिकल टू क्या बनेगा, एक्स टाइप का एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट जो जी के अंदर से आ रहे हैं, सच दैट फाई ऑफ एक्स अगर एन डैश के अंदर से है तो इसका मतलब एक्स एलिमेंट कहाँ से आ रहा होगा, देखो पीछे लिख रखा है हमने एन नाम का एक सेट बनाया था एन, वो एन नाम का सेट देखना एक बार, ये लिखा हुआ n नाम का सेट, देखो n सेट क्या है अपने पास, n सेट के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो x टाइप के एलिमेंट हैं और g के अंदर से आते हैं, और सच दैट फाई ऑफ x की वैल्यू क्या बनती है, n डैश बनती है। मतलब अगर फाई ऑफ x की वैल्यू n डैश बनती है तो वो x एलिमेंट किसके एलिमेंट होते हैं, n के एलिमेंट होते हैं, और ऐसे सभी एलिमेंट का कलेक्शन क्या बनता है, n बनता है। इसका मतलब फाई ऑफ x के सभी एलिमेंट, इस पूरी पूरी लाइन की जगह ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी पूरी लाइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो देखो यही लाइन हमारे पास आगे बनी हुई है, लास्ट में जो बना है हमारे पास यही बना है कि एक्स कहाँ से, फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन डैश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अपने पास एक्स जो बना है वो एक्स कहाँ से बना है, एन के अंदर से बना है, और इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, n। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनी, कर्नल ऑफ f इजिकल टू क्या बन गया अपने पास, n बन गया है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर, तो इक्वेशन वाले को हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं, ये बनेगा अपने पास
कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन बना है, एन। इक्वेशन नंबर फोर, अब मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर फोर से वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करने पर, तो इक्वेशन नंबर फोर में से वैल्यू अगर मैं कर्नल ऑफ एफ की जगह रखूंगा तो क्या बनेगा, जी अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन एन डैश। तो ये बात हमें फाइनली लिखनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ की जगह लिखना है एन, जी अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश अपॉन एन डैश। ये अपने पास क्या बना है, थ्योरम का प्रूफ बना है, ठीक है, और यही हमें रिक्वायर्ड प्रूफ था, ये अपने पास थ्योरम का प्रूफ था। तो अपने पास जो ये थ्योरम है, इस थ्योरम में स्टेटमेंट को अगर आप लोगों को समझना है तो स्टेटमेंट को समझ करके फिर आप थ्योरम को भी आगे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, और हर एक थ्योरम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। हर एक थ्योरम में ही क्या होता है कि पहले आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, और आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो आप उस थ्योरम का प्रूफ आसानी से कर सकते हो। कैसे देखना एक बार, सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन था वो बात हमें समझनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन था, जी एक ग्रुप था, जी डैश भी एक ग्रुप था, वापस से थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ इसको, जी ग्रुप था, जी डैश भी ग्रुप था। फाई अपने पास एक मैपिंग दे रखी थी जी से लेकर के जी डैश तक, लेकिन कैसी मैपिंग थी ये, ऑन टू होमोमोर्फिज्म थी, ऑन टू होमोमोर्फिज्म मतलब होमोमोर्फिज्म भी थी और ऑन टू भी थी। जी डैश का सब ग्रुप तो कौन था, एन डैश, और वो भी कैसा सब ग्रुप था, नॉर्मल सब ग्रुप था एन डैश, एन डैश नॉर्मल सब ग्रुप था जी डैश का, एंड एन जो था वो सब ग्रुप दे रखा था, एन जो है वो सब ग्रुप दे रखा था किसका, जी का। तो एन कौन है, एन के अंदर वो एलिमेंट आने थे एक्स टाइप के एलिमेंट जो कि जी के अंदर से आ रहे हैं, और जिनकी इमेज फाई ऑफ एक्स कहाँ से आ रही है, एन डैश के अंदर से आ रही है, मतलब जिन एलिमेंट की इमेज एन डैश में जाती है उन एलिमेंट का सेट क्या बनेगा, एन बनेगा। तब आपको ये प्रूव करना था कि जो एन सब ग्रुप बना है जी का